भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जिंदरा, जिसको पंजाब में बोला जाता है, हरियाणा में डोड़ वाली मशीन बोला जाता है, मुख्य रूप से मेंढ बनाने वाली जो मशीन है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए MSW रतिया में आए हैं, जो रतिया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील है और हरियाणा में है। तो किसान भाइयों, MSW रतिया वालों ने विशेष रूप से अलग नई क्वालिटी का जो डोड़ वाली मशीन है, मेंढ वाली मशीन, वो बनाई है। पहले किसान भाइयों जो मशीन बनाते थे, जो कारीगर, उसमें कई चीज़ें पुरानी होती थी, लेकिन इन्होंने इसको नए तकनीक से, नई प्रकार से बनाया है। इसमें जो सबसे नई तकनीक है वो ये है कि जो इन्होंने यहाँ पर हैंडल लगाया है, हैंडल लगाने के बाद इसमें राड है, और राड के बाद जो है पीछे से ये हैंडल घुमाने से अपने आप खुलती है राड। किसान भाइयों, इसमें जो है ये वाली है, इसकी जितनी जितनी चूड़ियाँ चढ़ती जाएंगी ये खुलती जाएगी, जितनी जितनी चूड़ियाँ घटती जाएंगी ये बंद होती जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी चूड़ियाँ चढ़ने से वहाँ पर खुलती है। देखिए, मैं इसको घुमाता हूँ, वहाँ कम ज़्यादा होती रहेगी। देखिए, वहाँ कम हो रही है और इस तरह से किसान वही कम हो जाती है। अभी देखिए, इसको यहाँ पर फरमाइश करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये लगभग आपकी 9 इंच है। 9 इंच होने के बाद हम इसको दोबारा खोल के दिखाते हैं कि थोड़ा सा घुमाने से ही ये ज़्यादा ज़्यादा दिखाती है। ये देखिए, अभी आपने इसको 5-7 चक्कर ही दिए थे और ये देखिए लगभग आधा फुट खुल चुकी है। इस तरह से खुलने के कारण किसान भाइयों, जो ये है विशेष रूप से तकनीक है, आपने अगर ट्रैक्टर में जोड़ रखी है तो आप जुड़े जुड़े भी इसको घुमा करके इसको खोल सकते हैं। इसमें किसान भाइयों दूसरी खास बात ये है कि इसमें जो है नट वगैरह यहाँ है, आगे तो है, लेकिन आगे अगर किसानों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पीछे से खोलने की बार बार ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हमें चाबी, पाने और अन्य चीज़ें लेनी होती थी। कई बार क्या होता है कि जो इसमें नट वगैरह खोलने के लिए जंग पकड़ जाते थे, लेकिन वो खुलते नहीं थे। अब जो है इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आगे से घुमा करके और इसको आराम से खोल सकते हो। इसमें चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ होने के कारण किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये है कि इसमें रेत लग जाएगा, तो अपन इसमें ग्रीस वगैरह लगा करके छोड़ सकते हैं, रेत अंदर नहीं जाएगा, जंग नहीं पकड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अपन इसको किसी चीज़ से कवर भी कर सकते हैं, तो प्लास्टिक की चीज़ से, जिससे इसमें रेत कम जाए। तो किसान भाइयों, थोड़ा बहुत कवर भी किया जा सकता है, बाकी ग्रीस अच्छा काम करेगा। तीसरी इसकी खास बात यह है किसान भाइयों कि जो पहले की मशीन होती थी उसमें यहाँ एंगल होती थी, टेढ़े वाली एंगल, इसमें जो किसान भाइयों इन्होंने पाइप लगाई है 3 इंच की, 3 इंच की पाइप लगाने से इसकी मजबूती और बढ़ गई है, तथा इसका ये है कि अब ये मुड़ेगी नहीं, उसमें पहले दबाव पड़ने से मुड़ जाती थी, लेकिन अब नहीं मुड़ेगी। ये वाली पत्ती जो है ये भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ये भी काफ़ी भारी पत्ती है और मोटाई भी इसकी अच्छी है। ये देखिए आप, अच्छी मोटाई होने के कारण ये भी ख़राब नहीं होती। तो इस प्रकार किसान भाइयों, जो ये है ये काफ़ी बेहतर है पहले से। अब बात आती है इसकी कीमत की। MSW रतिया वालों का कहना है कि ये 16,000 रुपये की किसान को यहाँ फैक्ट्री में पड़ेगी। तो जो किसान भाई बाहर से मंगवाना चाहे तो उसका चार्ज इसके लिए अलग रहेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से ये मशीन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगला वीडियो जो है आपको प्रेशर वाली हरों का बनाएंगे, और वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया मशीन है, हरों है। तो इस प्रकार से वीडियो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि अन्य साथी भी लाभ उठा सके। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद और राम राम।